फेमस कंपनियों के इन प्रोडक्ट्स के बारे में आप पहले नहीं जानते थे? कैसे ये बिल्ली दुनिया की पढ़ी लिखी बिल्लियों में से एक है, और कैसे विमल गुटके की वजह से ये बैंक इतनी भारी चोरी से बच गया? तो यारो, मैं इस वीडियो में 200 लाइक का टारगेट रखता हूँ, तो जरूर से कर देना। नंबर 10, इंसान तो ग्रेजुएट होते ही है, लेकिन इस बिल्ली की, और देखो ये बिल्ली यूटी ऑस्ट्रेन से ग्रेजुएट है। दरअसल इसकी जो ओनर है वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती थी, और ये बिल्ली अपने ओनर के साथ हर एक जूम कॉल अटेंड करती थी, तो ये भी ग्रेजुएट हो गई क्योंकि दोनों ही एक साथ जूम कॉल अटेंड करते थे। नंबर 9, तो यार ये एक कॉफी का कप है, लेकिन आप लोगों को लग नहीं रहा होगा क्योंकि ये एक जीरो ग्रेविटी में खाने वाला कॉफी का कप है। बस फर्क इतना है कि इस कप का इस्तेमाल आप स्पेस में भी कर सकते हो, और इसका इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉट स्पेस में भी कॉफी का मजा लेते हैं, एंड ये कप जीरो ग्रेविटी में भी एक ओरिजिनल कप का काम करता है। नंबर 8, इस फल की मदद से आप रोज सुबह जल्दी उठ सकते हो। तो यार अगर आप रोज सुबह एक एप्पल खाते हो तो उसके नेचुरल शुगर आप लोग को जल्दी उठने में मदद करते हैं, और आपको लंबे टाइम तक एनर्जेटिक रखते हैं। तो यार इसीलिए शायद से हमें डॉक्टर रोज सुबह एक एप्पल खाने के लिए कहते हैं। नंबर 7, गुटखा खाना भी कभी कभार अच्छा हो सकता है। कुछ ऐसा ही हुआ कानपुर में, एक आदमी ने बैंक में होने वाली चोरी को रोका था, और वो भी गुटखे की मदद से। असल में उस आदमी ने चोरों के आंखों में गुटखा थूक दिया था, और चोर उस आदमी का कुछ नहीं कर पाए, और पुलिस ने उन दोनों चोरों को जेल में बंद कर दिया, और इनाम के तौर में उस आदमी को ब्रेवरी अवार्ड दिया गया। लेकिन ये सुन के तुम लोग भी गुटखा खाने मत लग जाना। नंबर 6, इमेजिन करो कि आप अपने सामने वाले घास को बेच रहे हो और लोगों से खरीदने के लिए पागल हो रहे हैं। कुछ ऐसा ही हुआ बार्सिलोना के साथ। बार्सिलोना जैसी बड़ी जो फेमस टीम है वो अपनी होम ग्राउंड की घास को बेच रहे थे, लेकिन मजेदार बात तो ये है कि लोग उसे खरीदने के लिए पागल हो रहे थे, और ये देख के मैं भी हैरान हो गया था। नंबर 6, रोमानिया में बहुत ही अजीब चीज होती है, क्योंकि वहाँ के फायर फाइटर्स अपने ट्रक को बिल्डिंग के ज्यादा पास नहीं ले जा सकते, इसीलिए वो आग को स्नोबॉल फेंक के बुझाते हैं, बिल्कुल जैसे कार्टून में होता है। नंबर 4, क्या आप लोगों ने एक एस्ट्रोनॉट को नहाते हुए देखा है? नहीं तो ये देखो, एस्ट्रोनॉट अपने बाल कैसे धोते हैं, लेकिन इसके तो बाल ही नहीं है। बट ज्यादातर एस्ट्रोनॉट अपने बाल छोटे ही रखते हैं। नंबर 3, कुछ ऐसे डेंजरस चीज जो कि आप रोज करते हो लेकिन हमें पता ही नहीं चलता है कि ये डेंजरस है, जैसे सेल का ना काम करने पर उसे जीप से चेक करके देखना, और शायद ये काम आपने भी कभी किया ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये काम आप लोगों को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये काफी डेंजरस है। जगह पर आप लोगों को सिंपली सेल को नीचे पटकना है, अगर खड़ा रहा तो उसमें चार्ज है, और अगर गिर गया तो उसमें चार्ज नहीं है। नंबर 2, इस मैंगो बाइट नाम के कैंडी को आप जानते ही होंगे, बट इसके जैसा एक और एक कैंडी है जिसका नाम है ऑरेंज बाइट, लेकिन ये इतना पॉपुलर नहीं है, और इसका रीजन ये है कि मैंगो बाइट कुछ सालों के लिए बंद हो गया था इसके हाइजीन के इशू को लेकर। फिर आता है 1992 की क्रिस्टल पेप्सी, जो कि पेप्सी के सक्सेस के बाद रिलीज हुआ था, बट एक साल में ही बैंड हो गया क्योंकि दिखने में तो यूनिक था बट टेस्ट लोगों को इतना अच्छा नहीं लगा। वैसे पेप्सी ने भी पेप्सी ब्लू नाम की कोल्ड ड्रिंक को लॉन्च किया था, लेकिन हैवी मार्केटिंग के बाद भी फेल हो गया अपने आर्टिफिशियल और टेस्ट की वजह से। और कोक ने भी 1985 में ऐसे ही गलती की थी न्यू कोक बनाने की, उन्होंने पुराने कोको कोला को रिप्लेस करके एक न्यू कोको कोला रिलीज किया था, लेकिन 3 महीने में ही उन लोगों को अपनी नानी याद आ गई, और फिर उन्होंने पुराने कोको रिप्लेस किया कोको कोला क्लासिक के नाम से। नंबर 1, एक आदमी को 4 साल के लिए जेल में रखा गया था बिना किसी क्राइम के, और इसका रीजन ये था कि लो इनफोर्स को कहीं से पता चला कि ये आदमी एक सीटी बजाकर ही न्यूक्लियर वॉर शुरू कर सकता है, और इसीलिए सभी इस आदमी से डरे हुए थे, लेकिन ये बात फेक थी। तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लेना, और मैंने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोला है तो उसे भी चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यारो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो।